Hello everyone, this is Dr. Munish Sharma here. I'm a somatologist and managing director of National Skin Institute. So yesterday I saw one patient and then I was thinking ki which topic I should be taking. तो पहले मैंने PRP के ऊपर काफ़ी टॉपिक्स लिए हैं, तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये क्लिक हुआ कि PRP किनको नहीं करवानी चाहिए। PRP ट्रीटमेंट आपको सबको पता है कि हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं PRP ट्रीटमेंट को, और इससे हमारे हेयर में ग्रोथ फैक्टर्स जाते हैं और हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाता है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूँ कि किन लोगों को PRP ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, तो आज का मेरा टॉपिक ये है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या कोई लोकल लेजन है या कोई एक्टिव स्किन इन्फेक्शन है, तो आपको PRP ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा PRP ट्रीटमेंट करवाने से पहले आपको ब्लड टेस्ट भी करवाना ज़रूरी है, एटलीस्ट रेलेवेंट ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, HIV टेस्ट, HBsAg, इसके अलावा ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। अगर आपका एज 35 से ज़्यादा है तो आपको ब्लड शुगर भी टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या है कि इसमें हम इंजेक्शन देते हैं स्कैल्प के अंदर और घाव होता है, और घाव को ज़्यादा ना बढ़े तो हमारा शुगर अगर कंट्रोल में है तो हमारा हीलिंग उतना ही अच्छा होगा। ये जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताए हैं ये मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी इतना ज़रूरी है कि अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल कम आउट विद अ पॉजिटिव आउटकम्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस इज़ डॉक्टर मुनीश शर्मा साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।